खड़ो अलोटा दे दो, तो जमीन का कानून ही नहीं था, इसलिए हमने अमेंडमेंट कराया कि जो रिकॉर्डेड नहीं भी है, जबानी है, परंपरा कर उसको भी खातदारी दो, उसको भी खातदारी दी गई। हमने तीन बार अमेंडमेंट करवाया और हमने कहा कि जैसलमेर के जाए जलमे को जब तक जैसलमेर के निवासियों को भूमि नहीं मिल जाती, भूमि बहुत है, प्यासी है, जब तक हमको न मिले बाहर वालों को मत दो, लेकिन बाहर वालों को जमीन देना गलत था। हमारी अभी भी ये मांग है कि जैसलमेर के बच्चे बच्चे को जमीन मिले, फिर दूसरों को दो, ये हमारा तरीका। प्रश्न पूछ सकता हूँ मैं? जवाब नहीं मिला मैं, क्योंकि भाजपा के उमेश सिंह जी विधायक, तत्कालीन विधायक उमेश सिंह जी, मैंने प्रश्न पूछना चाहता हूँ भाजपा नेता किशन सिंह भाटी साहब से, क्या आपकी भाजपा पार्टी में जो आपके बुजुर्ग हैं जो पार्लियामेंट बोर्ड में जो बैठते थे, उस पार्टी में आज बुजुर्गों को दरकिनार क्यों किया जा रहा है? और आपके पास आपकी पार्टी के पास अपने प्रत्याशी नहीं है? मैं उत्तर दूंगा। आप कांग्रेस से उधार लेकर के अपने प्रत्याशी खड़े कर रहे हैं? उधार भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी एक समर्पित पार्टी, उसके लिए दल इतना जरूरी नहीं जितना देश जरूरी है। देश में पार्टी नव निर्माण चाहती है, इसलिए देश चाहता है युवा पीढ़ी आगे आए, इसीलिए नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी ने आगे किया है और सभी बुजुर्गों को करवट कहा गया है कि आप मार्गदर्शन दीजिए। आप 5-6 बार पार्लियामेंट में जीते रहे हो बुजुर्ग, आप मार्गदर्शन करो और भारत की 62% युवा पीढ़ी जो आज मोदी के पीछे लालायत हो रही है, नई किरण देख रहे हैं, इसलिए भाजपा में एक मिनट भाजपा में दल नहीं व्यक्ति बड़ा हो गया है, वहाँ वरिष्ठों की कोई कदर नहीं है, व्यक्तिगत पार्टी हो गई। यह आपका विचार, हेलो, यह आपका विचार हो सकता। मेरा, मैं गिरीश व्यास, मैं भाजपा के किशन सिंह जी से एक सवाल तो पूछना चाहता हूँ। आपने अभी फरमाया कि जैसलमेर की जनता को खातेदारी का अधिकार नहीं था, आपने अधिकार दिलवाने के लिए प्रयास किए, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन मैं फिर आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जैसलमेर में जिस समय विधायक श्रीमान गोवर्धन जी कल्ला थे, तो जैसलमेर के आम लोगों को 55,000 मुरबे सामान्य आवंटन हुआ। उसके बाद में 10 साल से आपका विधायक यहाँ पे जीत के आ रहा है, 10 मुरबे सामान्य आवंटन नहीं हुए, इसका क्या कारण है आप मुझे बताइए। मुरबा आवंटन की प्रक्रिया, मुरबा आवंटन की प्रक्रिया निरंतर है, वो पीरियोडिकली होती है और कभी कभी जब कोरम पूरा नहीं होता है उस कारण से मीटिंगें स्थगित होती है और चुनाव के पीरियड में उसमें रुकावट होती है, बाकी रोका किसी ने भी नहीं। हमारे दो साथी आप और डीएसपी के यहाँ और हैं, तो या तो सवाल पूछिए या मैं चाहता हूँ कि आप भी कुछ कहना चाहें मुद्दों पे। तो हमारा विचार ये है कि हमारा यहाँ एमएलए बनेगा ना, सरकार बनेगी हमारी, तो यहाँ जितने भी ये फार्म भरे गए 2004 वाले, 2004 वाला फार्म, इनको हम सामान्य में आउटन कर देंगे, शेष रहे जो उनको हम ये बरानी आउटन कर देंगे, एक भी फार्म खाली नहीं रहने देंगे हम। हाँ जी आप, और तो अपना खातेदारी क्या है, आप कुछ कहिए। हाँ साहब, मैं पहले तो वकील साहब भी कह रहे हैं तो मैं आपसे ही निवेदन करता हूँ कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियाँ सरकार में रही, लेकिन मरुस्थली जिला होने के कारण यहाँ के बेरोजगारों को सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के लिए किसी प्रकार की प्रायोरिटी या आरक्षण लोकल जिले के हिसाब से बैकवर्ड होने के कारण नहीं निर्धारण किया। माननीय भैरू सिंह और जसवंत सिंह ने एक दफ़े आरक्षण निर्धारित करके यहाँ के युवाओं को रोजगार दिया था, उसके बाद में दोनों सरकारों ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये जो 16वीं लोकसभा का चुनाव हो रहा है, पूरे देश के लिए मोदी जी के पास इसका एक विजन है, बेरोजगारी का, एम्प्लॉयमेंट देने का, आरक्षण की समस्या हल करने का। भारत की किसी की पार्टी के पास वो सॉल्यूशन नहीं है जो मोदी जी ने अपने इंटरव्यू में कहा है। उन्होंने एक उदाहरण दिया है,
गुजरात में इंजीनियरिंग की आवाज, मेरी तो आवाज इतनी है भाई, आप बोलिए, आवाज आ रही है। मोदी जी का ये कंसेप्ट है, गुजरात में उन्होंने परीक्षण किया, 30,000 पद थे इंजीनियर्स के, उन्होंने 1,25,000 पद कर दिए, पूरी उतनी अर्जी भी नहीं है, पूरी खपाई। इसी तरह से उन्होंने हॉस्पिटल्स के बारे में कहा, भारतवर्ष के हर जिले में एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी की जाएगी, हर भारतवर्ष के जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगी, हर भारतवर्ष के जिले में डॉक्टरों की, इंजीनियर की संख्याएं बढ़ाई जाएगी। तो ये तो 16वीं लोकसभा का है, भारत का चुनाव है, भारत का चुनाव है, उन्होंने सामने रखा है कंसेप्ट, आसमान आएगा, नई विचारधारा। आपने जो सवाल किया था कि विकास की बात कही गई थी, विकास का मॉडल गुजरात का पूरी दुनिया अप्रिशिएट करती है, विकास की बात अभी प्रश्न किया गया था, विकास की, विकास क्या किया गया है, विकास सबसे बड़ी बात देखने वाली ये है कि वो भारत था जिस समय आजाद हुआ था, उस समय यहाँ आप उनके सवाल का जवाब देने दीजिए, विकास की बात अभी कही गई है, कुछ कह रहे हैं उनको कहने दीजिए, तवर साहब कुछ कह रहे हैं, आप विकास की बात अभी कही गई है, इनकी हकीकत बात यह है कि पिछले 25-30 सालों में भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बना है, और इसके लिए आजादी के समय जिस भारत में कुछ नहीं बनता था, आज भारत दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश बनने जा रहा है। मैं राजेश भाटिया, पिछले 4 सालों से किले से ये जो पानी बह रहा है, क्या इस किले को गिराने की साजिश है? नंबर 1, नंबर 2, शहर के सारे पेशाब घर हटा दिए गए हैं, इतने टूरिस्ट यहाँ आते हैं, लोग घरों में आ जाते हैं कि साहब थोड़ी सुविधा दीजिए। नंबर 2, ठीक है ना, चाहे कोई भी सरकार हो, किले से बहता हुआ पानी सबको दिखाई दे रहा होगा, ये किला 12वीं शताब्दी मध्यकालीन, लोग इसको देखने के लिए आ रहे हैं, इसके लिए क्या किया जा रहा है? कौन सी सरकार करेगी, राज्य सरकार करेगी या सेंट्रल गवर्नमेंट, इसका जवाब दिया जाए। जिस सोनार किले की आपने बात कही है, निश्चित तौर पर यह विश्व की बहुत बड़ी धरोहर है, और इसकी जिम्मेदारी हम सभी की है, चाहे वो जिला प्रशासन हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो नगर पालिका हो, और चाहे वो हम आम नागरिक जन है, हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये हमारी धरोहर है। और जहाँ तक रहना इसके पानी की आप बात कह रहे हैं, देखिए पानी का अपव्यय हम लोग कर रहे हैं, हमने उसका व्यवसायीकरण कर रखा है, उसमें हमने होटलें खोल रखी है, उसका व्यवसायीकरण कर रखा है, इसलिए इतनी ज्यादा पानी की हो रही है। दूसरी बात, पहले भी वहाँ सीवरेज बिछाई गई थी, और वर्तमान में वहाँ सीवरेज आज से 6 माह पूर्व सेंक्शन हो चुकी है, और सीवरेज वहाँ बिछ रही है। वर्तमान सरकार भाजपा की है, भाजपा सरकार ये बताए कि वर्तमान में वो क्या कर रहे हैं। किसी की भी किला बचना चाहिए, निश्चित तौर में बचेगा। चलिए, निश्चित तौर में बचेगा, सारे लोग मिलकर बचाएंगे। हाँ साहब, अगला सवाल, हम सारे लोग मिलकर बचाएंगे। मैं राजेंद्र कुमार अवस्थी उमेश सिंह जी से एक प्रश्न करना चाहता हूँ। जैसा राजेश भाई भाटिया ने अभी कहा कि किले को कौन बचाएगा, वैसे ही इस जैसलमेर को कौन बचाएगा? पिछले 15 सालों से जैसलमेर की वैल्यूबल जमीन को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हवाले करके और विजुअल प्रदूषण फैला करके जैसलमेर का टूरिज्म खत्म किया है। आप बताइए, जैसलमेर का जो एशिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल है, 40,000 वर्ग किलोमीटर, क्या आपको जैसलमेर का 50 किलोमीटर रेडियस ही मिला है, जहां पे आपने ये पंखे लगा करके यहाँ के टूरिज्म को खत्म किया है? इसके साथ में आपसे एक और बात पूछता हूँ, आप ही की सरकार के चीफ सेक्रेटरी ने जैसलमेर आकर के रोक लगवाई थी 2 किलोमीटर क्षेत्र में, और आप ही के मंत्रियों ने, आपके मुख्यमंत्री ने मिलकर के गुप्त रूप से उस रोक को हटा करके और वहां पे वो पंखे लगवाए। आप बताइए, इसका जवाब दीजिए। जैसलमेर की जो नींव है, आर्थिक नींव, जो रीढ़ की हड्डी है जैसलमेर का टूरिज्म, उस टूरिज्म को आपने किस कदर बर्बाद किया है सब लोगों को पता है, आप इसका जवाब दीजिए। आप यहाँ
भाई राजेंद्र जी ने जो सवाल किया है निश्चित तौर पे एक गंभीर और जिम्मेदारी भरा सवाल है, लेकिन इसके लिए किसी एक सरकार को या किसी एक पार्टी को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है। कारण यह है कि ऊर्जा का उत्पादन भी देश के लिए जरूरी है, और जिस तरह से पिछले पाँच साल में जो सबसे ज़्यादा भूमि का आवंटन किया गया है वो पिछले पाँच साल भाजपा की सरकार थी उस समय किया गया। 1999 में पवन ऊर्जा के कार्य शुरू किए गए, लेकिन ऊर्जा हमारी आवश्यकता है उसको ध्यान में रख के किया गया। हमारे 60 दिन की कार्य योजना बनाई वसुंधरा राजे ने, कहा 60 दिन में बहुत सारे मुद्दे सॉल्व कर दूंगा, कुछ नहीं किया 60 दिन में। अगर कुछ नहीं किया 60 दिन में, कुछ नहीं किया वसुंधरा ने, और अरविंद केजरीवाल भी बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहा था, लेकिन वो दिल्ली की सरकार नहीं समझ सका, वो क्या करेगा। सब पार्टी एक जैसी है और इसमें सब पार्टी में पक्षपात है, कुछ नहीं है। कांग्रेस इनका ये कहना है, मैं बता रहा हूँ, इनका सवाल ये है कि सभी सरकारों ने आश्वासन दिया गरीबी हटाई जाएगी, लेकिन ना तो कभी गरीबी हटी, जो सरकारें आई पूरी कार्य योजना प्रस्तुत की, उस कार्य योजना की क्रियान्वित नहीं हो पाई। पहले आप बताएं फिर आप बताइए। नहीं, मुझे जहां तक सुनाई दिया है उन्होंने टैट के बारे में कहा था, उसके पहले उनका सवाल था के बारे में कहा गरीबी हटाओ का नारा दिया, गरीबी नहीं हटा पाए, फिर कार्य योजना लागू की वो नहीं हो पाया। पहले तो गरीबी हटा वाले बात करें, फिर ये बात करेंगे, शुरू कीजिए। जहां तक गरीबी की बात है, कांग्रेस ने इस देश में सबसे पहले गरीबी हटाओ का नारा दिया, और उसके बाद गरीबी हटाने के लिए BPL सर्वे करवाया। BPL सर्वे के पश्चात प्रत्येक BPL परिवार को आवास की व्यवस्था की, इंदिरा आवास योजना के तहत शहरों में BPL आवास की योजना लागू की गई, और वर्तमान जो सरकार थी, निवर्तमान सरकार थी अशोक गहलोत जी की कांग्रेस की, उन्होंने यहाँ BPL आवास की ग्रामीण और शहरी, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास और मुख्यमंत्री BPL शहरी आवास योजना चलाई, उसमें 75,000 रुपए दिए गए प्रत्येक व्यक्ति को, और बाद में किस्त बढ़ाकर 1,20,000 किया गया। ठीक इसी प्रकार गरीबों के लिए 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए किलो अनाज उपलब्ध करवाया गया, निःशुल्क दवाई उपलब्ध करवाई गई, निःशुल्क जाँचें उपलब्ध करवाई गई, गरीबों के लिए कांग्रेस पार्टी ने सर्वाधिक किया। और रही बात हमारे युवा साथी की, हमारे युवा साथी ने जो टैट की बात की है, कांग्रेस कभी भी झूठे वादे नहीं करती, कांग्रेस ने टैट की कभी बात नहीं की, ये वसुंधरा ने झूठे वादे किए कि टैट हटाएंगे, लेकिन यहाँ युवाओं के साथ बहुत बड़ा छल किया और टैट नहीं हटा, क्योंकि हट ही नहीं सकता था, कोर्ट ने कोई आदेश नहीं किया। आज युवाओं के साथ खिलवाड़ भाजपा ने किया है। भाटी जी आप क्या कहेंगे टैट हटाने के मुद्दे पर? मैंने कहा, आप सुनिए, कृपया सुनिए, बात सुनिए आप, ये चुनाव भारत का चुनाव है, और मोदी जी के पास विकास का जो मॉडल है वो पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया, गुजरात का मॉडल आज पूरे भारत का। सवाल यह है कि वसुंधरा जी की सरकार ने आने के बाद जो वादे किए वो पूरे नहीं किए, इंक्लूडिंग टेट, इस पर आप कहिए क्या कहना चाहते हैं? वसुंधरा जी की सरकार अभी 60 दिन में सारा सर्वे करके, सारा टारगेट फिक्स करके, इस चुनाव के बाद द्रुत गति से कार्य करेगी, और जो कार्य अधूरे हैं, चलिए इन्होंने आश्वासन दिया है उनको लोकसभा के बाद कुछ होगा। हाँ जी, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? सुराज्य स्थापित किए। मेरा नाम मनोरमा वैष्णव है। मेरा ये कहना है कि मुख्यमंत्री ने 5 साल के अंदर कोई युवा को रोजगार दिया हो तो बोलो, कि बच्चे बोल दे यहाँ खड़े हुए, जो रोजगार दिया हो तो टीचर्स लगाए हो तो बच्चे को कह दो कि किसी 5 साल में किसी को नौकरी दी हो तो बच्चे बोल सकते हैं ये लड़के सारे। दूसरी बात कि ढाणी के अंदर बच्चे ज्यादा और टीचर नहीं है, जगह जगह स्कूलें बंद रही आपके राज के अंदर, बार बार स्कूलें बंद करी गांव वालों ने कि टीचर नहीं है स्कूल बंद, ये हाल रहे आपके राज के अंदर। पिछले 5 सालों में कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार ने प्रत्येक विभाग में भर्ती की युवाओं के लिए, चाहे वो पुलिस विभाग हो,
चाहे होमगार्ड हो, चाहे किसी तरह का कोई विभाग हो। मैं किशन सिंह जी भाटी साहब से निवेदन करना चाहूंगा, ये देश की पंचायत का चुनाव है, कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है। हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष देश है, या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी समान हैं। आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि नरेंद्र भाई मोदी ने अपने विधानसभा चुनाव में किसी भी मुस्लिम भाई को टिकट क्यों नहीं दिया? आज हिंदू मुस्लिम इस वतन के लिए, जहां हिंदू ने कुर्बानी दी उससे पहले मुसलमान ने कुर्बानी दी थी, इतिहास गवाह है कि आजादी लड़ाई में हिंदू मुसलमान दोनों लड़े थे। आप जवाब दीजिए, विधानसभा गुजरात के चुनाव में किसी मुस्लिम भाई को टिकट क्यों नहीं दिया? मैं उत्तर, मैं आप जवाब दीजिए। अरे उत्तर तो सुनो, उछल क्या रहे? गुजरात में अब मोदी की जो लोकप्रियता बढ़ रही है, देश पूरा मोदी जी को स्वीकार कर रहा है। देश में मोदी जी जहाँ जाते हैं, दक्षिण में, पूर्व में, जहाँ भाजपा का एक पार्षद भी नहीं, कोई नहीं, वहाँ तक लाखों लोग उनको सुनते हैं। अब मेरे कांग्रेस के भाइयों के पास एक ही उदाहरण है, न विकास का मुद्दा है, न हिंदुस्तान की प्रोग्रेस है, बस मुसलमानों को डराओ, मुसलमानों को भय बताओ। कोई टिकट देने से कोई जाति या धर्म ऊंचा नहीं आता है। गुजरात में 2000 के बाद में कोई भी ऐसा उंगली मुंगली जगह नहीं हुआ, भारत में सब जगह हुए और सैकड़ों पार्षद है। सर मेरा नाम देशलारा में, मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ। ये मोदी मोदी जो हल्ला कर रहे हैं, मोदी की परिकल्पना है हिंदू राष्ट्र की स्थापना। मैं ये पूछना चाहता हूँ मेरे भाइयों से, बीजेपी के हमारे पूजनीय बैठे किशन सिंह जी से, क्या हिंदू राष्ट्र की कल्पना या भारत सेक्युलर स्टेट में क्या ये संभव है? यहाँ देश में, इस देश में जो कि एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे धर्म एक साथ भाइयों की तरह रहते हैं, तो फिर मोदी ये क्यों कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं? मैं ये इनसे सवाल पूछ रहा मोदी जी ने किस दिन कहा कि इसको हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहा हूँ? ये कहाँ से? कृपया ध्यान से सुनिए, जवाब सुनिए आप। मोदी जी केवल भारत के पुनर्निर्माण का, विकास का, बेरोजगारी दूर करने का, महंगी वाड़ा हटाने का और भारत के पुनरुत्थान का कार्यक्रम लेके सामने आ रहे, वो कोई धार्मिक एजेंडा लेके नहीं आ रहे। मोदी जी ने कभी भी नहीं कहा कि मैं हिंदू राष्ट्र की स्थापना, ये अपनी कल्पना से बातें कर। मेरा नाम सून सिंह है। सर जी ऐसा है कि अभी सब मुद्दे बता रहे हैं, किसानों के लिए कौन सी पार्टी ने क्या मुद्दा बताया? इसके लिए किसान के लिए, किसान के लिए मोदी नहीं, मोदी ऐसा है। सुनो, किसने कुछ नहीं किया किसानों के लिए, कुछ नहीं किया है। सुनो तो, जो जो किसान है क्या अन बो के अपन को जो जवाब सुनेंगे, जवाब खुद ही दे दो। चलिए जवाब जवाब सुनते हैं अपन, जवाब सुनते हैं प्लीज, जवाब जवाब सुन लीजिए। अरे आप सुनो, पहले वो बोल रहा, बहुत देर हो गई। मैं मोदी जी का इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने हिंदुस्तान की तमाम समस्याओं के बारे में, मोदी जी का ये विजन है कि हर तो मोदी उनका तो सवाल है किसानों के लिए। आप संक्षेप में बताइए, किसानों के कल्याण के लिए कोई विशेष योजना है? किसानों के बारे में सुनिए 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 सुने जब कहूँ, प्लीज सुनिए आप ये बात। किसानों के बारे में उनका कहना है कि खेती के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर भारत सरकार को बहुत जोर देना चाहिए, हम देंगे। और तीन तरह की खेती होगी, एग्रीकल्चर होगा, पशुपालन होगा और हॉर्टिकल्चर होगा, और खेती आधारित तो उद्योग लगाए जाए। खेती की चीज़ें जो पैदा होती है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगनी चाहिए। चलिए आपने कहा है कि खेती आधारित तो उद्योगों को लगा करके किसानों का विकास किया जाएगा, कृषि पे जोर दो और एग्रो इंडस्ट्री होनी चाहिए, कृषि आधारित उद्योग। समय कम है, उमेश सिंह जी अपनी बात कर रहे हैं। किसानों के लिए कांग्रेस ने जो किया है किसी ने नहीं किया, कुछ नहीं किया। सबसे पहले देश के किसानों को देश की मुख्य धारा से कांग्रेस पार्टी ने जोड़ा है। देश में सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण कांग्रेस पार्टी ने किया है। देश में सबसे ज्यादा अपने कांग्रेस पार्टी ने दिए है। देश में सबसे ज्यादा ऋण कांग्रेस पार्टी ने किसानों को दिए हैं। ठीक इसी तरह समय समय पर जब
कुछ परेशानी आई किसानों को या मौसम के कारण खराब हुआ तो बीमे का लाभ भी कांग्रेस ने दिया है। ठीक इसी प्रकार कांग्रेस ने किसानों के लिए बिना ब्याज का ऋण दिया है, बिना ब्याज का ऋण देकर किसानों को अपने पांव पे खड़ा किया है। ब्याज व्याज से किसानों के संबंध में कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, मिसाल है दुनिया के लिए। और उसकी शुरुआत से लेकर आज तक, चाहे जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर में चाहे बारानी खेती हो, चाहे उपनिवेशन की खेती हो, चाहे नलकूप के आधारित खेती हो, सब तरह के किसानों को लाभ कांग्रेस पार्टी ने दिया है। भूतपूर्व एमएलए साहब ने पूछ रहा है सर, उनका मोदी मोदी कर रहे हो आप, प्रधानमंत्री पहले चुना है, प्रधानमंत्री को पूछो वहाँ गऊ हत्या हो रही है उसको रोको, वहाँ गऊ कट रही है, हमारे बैल की खेती पशुपालक बैल थी वो बैल जाते हैं, सबको पूछो गुजरात जाते। हाँ साहब, इनका सवाल है गो हत्याएं क्यों हो रही है, इसको लेकर के बात बताइए। सुने तो मैं अभी कह दू। हाँ जी सुनिए साहब, ये जवाब दे रहे हैं आपके सवाल का। कांग्रेस के अध्यक्ष जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया कि देश में गवें कटती है, बैल कटता है, मटन पे बहुत जोर दे रहे हो, मोदी जी क्या करें। मोदी जी ने कल ही कहा है कि सुनिए, आप सुनते तो हो नहीं, मोदी जी ने कल ही कहा है हरित क्रांति होनी चाहिए, श्वेत क्रांति होनी चाहिए, किसान को पशुपालक को सब्सिडी देनी चाहिए, कत्ल खाना में सब्सिडी नहीं देनी चाहिए, यही कहा है। इसलिए एग्रीकल्चर पे सब्सिडी मिलनी, ग्रीन रिवॉल्यूशन होना, पशुपालन होना चाहिए, एग्रो बेस इंडस्ट्री, यही कहा उन्होंने। इसलिए अगला सवाल लेते हैं, पिंक रिवॉल्यूशन, अगला सवाल लेते हैं, अगला सवाल, एक मिनट, पिंक रिवॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। आपकी बात आ गई हरित क्रांति और श्वेत क्रांति की आवश्यकता है। पिंक रिवॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, ग्रीन एंड व्हाइट रिवॉल्यूशन होना चाहिए, और किसान को सब्सिडी दो। हरित और श्वेत क्रांति का मेरा सवाल भाई उमेश सिंह जी से है कि 10 साल तक आपकी गवर्नमेंट रही, अभी 4 स्टेटों में इलेक्शन हुए, उनमें कांग्रेस की बुरी गति हुई, आपने अगर अच्छे काम कराए होते सम्मानजनक तो आपको सीटें मिलती करके, अभी आप 21 सीटों पे सिमट गए हो, आप बोलते हमने फ्री में दवाई दे दी, हमने ये कर दिया, ये आपने कब किया, 4 साल जाने के बाद में किया पब्लिक को, अभी अगर इनको कमले दे दो, साड़ियाँ दे दो, इससे क्या होता है, लोगों को बेरोजगार का रोजगार दो ना आप। 4 स्टेटों में आप सफाया हो गया आपका, फिर भी आप कह रहे कि हमने ये किया, हमने ये किया, क्या तरीका है आपका? पब्लिक ने आपको रिजल्ट नहीं दिया क्या? पब्लिक ने आपको जवाब दिया है ना, पब्लिक ये पब्लिक है तो पब्लिक ने आपको 4 स्टेटों में जवाब नहीं दिया, फिर भी आप देखो करके अपना अवलोकन करो। आप जवाब सुनो। हाँ सर, ऐसा है कांग्रेस पार्टी ने 4 राज्यों में जो लोगों ने मैंडेट दिया उसको स्वीकार करती है और विनम्रतापूर्वक स्वीकार किया है। सुनिए जवाब। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 4 साल तक विपक्ष की कोई भूमिका नहीं निभाई और वर्तमान मुख्यमंत्री 4.5 साल तक वहां लंदन में जाके बैठी रही। हकीकत बात यह है कि 6 महीने में घूम घूम कर लोगों को नाटक किया और लोगों को बरगलाया। हकीकत बात यह है कि जिस तरह 2.5 साल पहले ये निःशुल्क दवाई चालू की गई, कैसे कह रहे हैं अभी का है, ठीक इसी तरह पेंशन 1.5 साल पहले चालू की गई, ठीक इसी तरह जांचें 2 साल पहले फ्री की गई, अरे मुख्यमंत्री बीपीएल आवास के तहत हजारों लाखों लोगों को फायदा हुआ है और हमारी सरकार ने 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए किलो अनाज उपलब्ध करवाया है। केंद्र सरकार ने किसानों के हित के लिए भूमि अधिग्रहण बिल लाए हैं। उस भूमि अधिग्रहण बिल के तहत आप सभी जानते हैं कि किसानों को 8 बाजार से 4 गुना बड़े भाव मिलेंगे, ये कांग्रेस की सरकार ने किया है किसानों के लिए। सिंह जी, मेन मुद्दा भारत की सामने ये है कि भारत की सीमा सुरक्षित होनी चाहिए, देश की सीमा सुरक्षित नहीं सके तो जैसे ये भारत की जनता आपसे क्या सहयोग की अपेक्षा रखी। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जिस समय देश का आजादी हुई थी और देश का विभाजन हुआ था तब से ही पाकिस्तान हमारे विरुद्ध षड्यंत्रस्त आया है और इसका परिणाम स्वरूप उन्होंने हमारे विरुद्ध 1947 में, 1965 में, 1971 में 3 युद्ध लड़े और तीनों में मात खाई है। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, कोई भाजपा की सरकार नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कह रहे हो कि 60 साल में कांग्रेस ने विकास किया है,
जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ था तब एक रुपये की कीमत थी $1, और आज एक रुपये की कीमत है $1 की कीमत है $62, और उसमें $1 की कीमत थी $1। क्या विकास हुआ है? भारत पर अरबों रुपये का कर्ज है। जब भारत आज़ाद हुआ था तब एक भी रुपये का कर्ज भारत पर नहीं था, और आज $1 $60 का है और भारत में अरबों रुपये का कर्ज है। ये कैसे आप बताएं? एक रुपये की आपने बात की है, तब तक लोगों की तनख्वाहें क्या थी, आम आदमी की आय क्या थी, और आज प्रति व्यक्ति की आय क्या है? जैसलमेर में 500 रुपए में मजदूर नहीं मिलता है, ये हकीकत है। इस तरह देश का आर्थिक विकास दुनिया में बहुत बड़ा हुआ है और दुनिया में भारत का पैसा आगे बढ़ा है। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, हकीकत बात यह है, आज के हमारे इस चर्चा में बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई, देश की सुरक्षा से लेकर के बाड़मेर संसदीय क्षेत्र के पर्यटन के विकास, यहाँ की पेयजल की व्यवस्था, यहाँ के आधारभूत ढांचे के विकास को लेकर के बहुत सारे मुद्दे पर चर्चा हुई, और हमारे विभिन्न पार्टियों के प्रतिनिधियों ने अपनी बात आप सभी के सामने रखी। याद रखिए 17 अप्रैल उस दिन आपको मतदान करने के लिए अवश्य जाना है और अपने वोट का उपयोग बड़े सोच समझ कर विवेक से करना है। आप सभी यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। मेरी माफ की है।